नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आगरा में आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तमाम परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई सरकारी योजनाओं को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के विकास भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं पर बेहतर काम किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ललितपुर घटना को लेकर के अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को सौंपा जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, जिसके लिए उनका कार्यक्रम और प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगाराम के जारी प्रोटोकॉल के अनुसार वो 9 मई को दोपहर बाद चंदौली पहुंचेंगे। उनके इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ साथ जिला अधिकारी चंदौली और पुलिस अधीक्षक चंदौली को दी गई है, ताकि सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जा सकें। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं जनता की समस्याओं का तुरंत निस्तारण के लिए डीएम और एसपी को निर्देश दिए। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के मसले पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। देहरादून में चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, जहां कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस नाम का ऐलान किया है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर के तहसील क्षेत्र में एनजीटी के नियमों का दरकिनार कर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा किसान के खेत से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इस संबंध में तहसीलदार प्रकाश सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत मिली है, जिसकी जाँच की जाएगी। अगर खामियां पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। बुलंदशहर में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान को ताकत देने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां 15 दिनों तक आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम के 800 कैंप लगाए जाएंगे। बता दें कि कैंप में शहरी और ग्रामवासियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। 24 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों को इलाज कराने के लिए लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने सीडीओ समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जी आयुष्मान कार्ड योजना और माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आज से 15 दिन का एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे बीएलई गांव-गांव जाकर के कार्ड बनाएंगे। जो 2011 की सेक्स सूची है उसके जो सूची के अनुसार लोगों के कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार जो हमारे लाल कार्ड धारक हैं राशन के, उनको भी आयुष्मान कार्ड योजना से आच्छादित किया जाना है। लगभग हमारे यहाँ 3 लाख परिवार हैं, जिसमें से 1,05,000 परिवारों को कार्ड कम से कम एक कार्ड बन गया है और लगभग 3 लाख पूरे जनपद में कार्ड बना है, जो काफ़ी लगभग 10 लाख के आसपास कार्ड बनने हैं। आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा कि ये जो पखवाड़ा है उसमें जो उनके गांव में बीएलई जाएंगे अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। बुलंदशहर में कुछ दिनों पहले बलीपुरा नहर के सुनहरा बम्बे में गिरी गाड़ी में मौजूद लोगों को वहां मौजूद आम जनता के सहयोग से एक पुलिसकर्मी ने बचाया था। इस सराहनीय कार्य के लिए सिपाही सचिन कुमार को सम्मानित किया गया। सिपाही को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने 2500 रुपये की धनराशि नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एटा में बिजली कटौती को लेकर के किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। किसान संगठन ने विद्युत विभाग के एक्सियन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों की मांग न मानने पर किसान संगठन ने बिजली विभाग को अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। हमने जिला एटा में बार बार ज्ञापन दिए, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर जू तक नहीं रहेंगी। तब हमने ऐसी कार्यालय का घेराव किया है और जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन की आगे के लिए इनको अपनी रणनीति बता दी है कि अगर ये नहीं सुधरे
और इनका यही रवैया रहा तो बहुत बड़ा आंदोलन हम ऐसी और एक्शन के खिलाफ करेंगे ईटा। समस्या क्या थी? समस्या यह है कि जो विद्युत मीटरों पर लाइन मैन है वो जेई से भी बड़े हैं और दलाली लेते हैं, खुलेआम दलाली चल रही है और लाइन मैन को हटा दिया। ऐसी साहब यहाँ पे या संबंधित अधिकारी कोई भी है फिर दोबारा उन्हें लगा देता है। आपका आरोप है कि विद्युत कर्मी जो किसानों से वसूली कर रहे हैं? हमारा आरोप सही है, इतनी जबरदस्त वसूली हो रही है कि जिससे किसान त्रस्त है। अलीगढ़ के थाना कुवारसी अंतर्गत रामनगर में 8 से 10 लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। हमलावर 3 दिन से लगातार फोन पर धमकी दे रहा था। आज सुबह पीड़िता के लड़के को तमंचे की बट से मारकर सिर फोड़ दिया, कई राउंड गोलियां भी चलाई। पीड़िता की गर्भवती लड़की के साथ भी हमलावरों ने जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। आज वो बस इन गोलियां चला के गया यहाँ पे और मेरे भांजी में गोली मार के गया, किन्नू मार के गया, बहुत जोर पे चांद फाड़ दिए उस मेरे बच्चे की, बहुत बुरी हालत कर दिया। वो मेरी बहन के बच्चों को भी मारा। कब से परेशान कर रहा है? 4-5 दिन से परेशान कर रहा है। उसका भाई और वो सब आके यहाँ पे हमला कर रहे हैं, यहाँ आके एक एक करके सब बच्चों को मार रहे हैं। वो तो तहरीर वहरीर भी दी तुमने? हाँ दी तो है। अच्छा, पुलिस आई? पुलिस आई, हम पूछताछ करके चली गई है। अलीगढ़ के थाना कुवारसी इलाके के रामघाट रोड स्थित टीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फीस जमा करने के नाम पर छात्राओं के साथ 200 रुपए एक्स्ट्रा अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां छात्राओं ने हंगामा करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल से लिखित में शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रिंसिपल ने मामले में 4 सदस्य जांच कमेटी के लिए गठित कर दी है। इकराम महाविद्यालय अलीगढ़। इस तरीके की आज आपको ये कंप्लेंट? आज मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो ये बच्चियां परीक्षा छूटने के बाद एक्स की बच्चियां मेरे पास आई और इन्होंने लिखित में सूचित किया कि विश्वविद्यालय की फीस 1,000 रुपये है और हमसे 1,200 रुपये लिए गया है। तो मैंने जब बच्चियों से पूछा क्या आपको इसकी कोई रसीद मिली, इन्होंने कहा नहीं। तब बच्चियों ने मुझे लिख के दिया, मैंने क्योंकि मुझे मालूम था, मैंने चालान पे भी साइन किए थे जो 1,000 रुपये मात्र था। फौरन मैंने ये कमेटी गठित की और जो भी व्यक्ति हैं उनको भी बुलवाया, बच्चियों से कहा, हालांकि वो कहने लगे कि मैं वापस करने वाला था लेकिन। आगरा के थाना बरहन के गांव बिनई कला में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ जमकर हाथापाई की गई। बिना कनेक्शन के घरों में बिजली चल रही थी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने थाने पर तहरीर दी है। एक मिनट, अरे मैंने ताऊ से कह दी, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई, ना चोरी करी तो फिर चोर आएगा। बागपत में आकाशीय बिजली गिरने से बीते बुधवार को 2 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि खट्टा प्रहलादपुर गांव में पुष्पा और मवी कला गांव में किसान की मौत हो गई थी। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके संवेदना प्रकट किया है। बरेली में तहसीलदार के अर्दली का पैसे लेते हुए एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में अर्दली एक प्लॉट पर रुके हुए निर्माण कार्य का आदेश कराने को लेकर के रिश्वत ले रहा है। वहीं काम ना होने पर रिश्वत देने वाला युवक तहसील परिसर के अंदर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। लाखन सिंह के द्वारा कोतवाली पे एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 5/5/2022 को सुबह लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति तहसील सदर में आया जिसका नाम प्रदीप है। उसने बताया कि मुझे तहसील सदर साहब से जो है अकेले में बात करनी है। इस बात पे उनके द्वारा बताया गया कि जो भी आप बात करनी है आप यह करिए। उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ पे मारपीट की गई और कुछ पत्रावलियाँ जो वहाँ पे रखी हुई थी उस पत्रावलियों को फाड़ दिया गया और जो वहाँ का जो सरकारी कार्य था उसमें बाधा उत्पन्न की गई। ये सारी चीज़ें जो है तहरीर में लिखी गई है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्निविधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कुशीनगर में प्रतिबंधित 30 गौवंशीय पशुओं को तरिया सुजान की पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद गौवंशों को तस्कर एक ट्रक में भरकर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इटावा में चोरी की घटना का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही थाना सिविल लाइन पुलिस। बीते 27 अप्रैल को पुलिस पिकेट से चंद कदमों की दूरी पर ललुहान चौराहा पर ज्वेलरी शॉप की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी रुपए की चोरी कर वारदात की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस चोरी की घटना का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम के बुलडोजर को व्यापारियों ने रोक दिया, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस के साथ व्यापारियों में जमकर नोकझोंक हुई। बता दें कि रेलवे रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे थे। ये पूरा मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के रेलवे रोड का है। मैं सारी समस्याएं देख रहा हूं, मैं अभी पूरा कट खुला के चारों ओर बता के आया हूं कहां रिक्शा खड़े होंगे, कहां डकेल खड़ी होगी। मैं सारी परमानेंट हो जाएगी। अलीगढ़ के जिला महिला मोहनलाल गौतम राजकीय अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जिला महिला मोहनलाल गौतम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला की मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में मृतक महिला के परिजन अस्पताल पहुँच गए और मृतक महिला की डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। रविता नाम की महिला थी, भूड़ नगरिया से आई थी। इसके तीन डिलीवरी यहीं से हो चुकी है, आज चौथी के लिए लाई गई थी। तो इनके सब जानने वाले आशा हैं और इनके घर के लोग थे। अभी मैंने जितना बात करी है इनसे, जितना पूछा है, सीसीटीवी वगैरह भी हम लोग देखेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट यही है कि डिलीवरी के टाइम पर कोई अलग सडन कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब होने लगी, तो इसको वहाँ रेफ़र करने की कोशिश की जा रही थी, उसी बीच में इसकी डेथ हो गई। खराब भी करने की कोशिश की गई है? नहीं, हमारे सामने हम लोग ऐसे अभी आप साथ में देखें, कुछ नहीं हुआ है। तो लापरवाही का जो आरोप लगा रहे थे कहाँ तक नहीं, अब अभी तो इनका कोई ऐसा आया नहीं है लिखित आरोप, आएगा तो उसकी जाँच करा ली जाएगी, बट ऐसे लगता नहीं कि कोई लापरवाही, कोई डॉक्टर क्यों करेगा। औरैया में रोड एक्सीडेंट में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने घर से स्कूल पढ़ने जा रही कक्षा 7 की छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे छात्रा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।